शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 193 केंद्रों पर 14,416 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,824 और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,592 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि महिला एवं पुरुष जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स सहित सीएससी पीएससी पर वैक्सीनेशन किया गया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि जो भी लोग प्रथम डोज तथा सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं, वह अपने नजदीक के सेंटर या जिला अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन करा ले, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र हथियार टीकाकरण ही है। इसलिए टीकाकरण अवश्य कराएं और सुरक्षित रहें और कोरोना को फैलने से बचाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, फीवर तो नहीं है? आज हमारे जनपद में 193 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज, हमारे जिला अस्पताल, महिला पुरुष, एम्स, हमारे सभी अर्बन पीएससी, हमारे सभी रूरल पीएससी और सब सेंटरों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। साथ ही साथ हमारी 30 टीका वाहन हैं जो संचालित हैं, जो गांव-गांव घरों घरों में जा रही हैं और टीका का काम कर रही हैं। अभी तक हमने 32,30,000 से ज़्यादा डोज लगा चुके हैं, उसमें से 23,45,000 प्रथम डोज और 8,84,000 सेकेंड डोज लगा दिए हैं। अभी भी हमारे जनपद में बहुत सारे लोग कोरोना वैक्सीनेशन से छूटे हुए हैं। फर्स्ट डोज ही हमारे पास अभी 10,00,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको लगाना है। हमें अपील है कि सभी लोग जिनको भी कोरोना वैक्सीनेशन नहीं लगा है, 18 साल से ऊपर उनकी उम्र है, वो हमारे सेंटर पर, सरकारी अस्पतालों पर आएँ, जहाँ निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक टीकाकरण चलता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुरक्षित टीका है, जिससे लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। पूरे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने टीका लगाया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, तो किसी भी भ्रम में कोई भी ना रहे, क्योंकि कोरोना का बचाव टीकाकरण ही है। तो टीकाकरण कराएं और अपने को बचाएं और कोरोना को फैलने से बचाएं। साथ साथ सेकेंड डोज के भी लोग, बहुत सारे लोग छूट रहे हैं, 2,00,000 से ज़्यादा ओवरड्यू हो गए हैं जिनका सेकेंड डोज लग जाना चाहिए। जिन लोगों ने भी फर्स्ट डोज लगा दिया है, उनका समय पूरा हो गया है, वो लोग भी हमारे सेंटरों पर आएँ। अब हमारे सेंटर पर भीड़ भाड़ नहीं है, आसानी से लोगों को टीकाकरण हो जा रहा है और टीकाकरण करा करके अपने को और अपने जनपद को सुरक्षित रखें।